जी इससे जस्ट पहले भाई तय कर लो यार। देखो ये गिरने वाला, ये गिरने वाला जी। जी एक्साइटमेंट है, बिल्कुल है। एक अलग तरह के सब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ। वैसे तो हर कोई यही कहता है मेरी फिल्म बहुत अलग है, लेकिन यकीन मानिए ये फिल्म बाकियों से बहुत अलग है। जंगलम, जैसा कि फिल्म का टाइटल है, जंगल बेस्ड एक फिल्म है, मगर ये थ्रिलर है, हॉरर है। एक अलग तरह से अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। हॉरर है बेसिकली, डराना अच्छा लगता है। नहीं नहीं जी, थैंक्स गॉड कि मैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन अपनी चीज़ है जो अपने पूरी ईमानदारी से अपनी टीम के साथ रखने जा रहा हूँ, एक अलग सोच के साथ रख रहा हूँ। थ्रिलर है, लेकिन जनरली जब हम थ्रिलर फिल्म की बात करते हैं, हॉरर फिल्म की बात करते हैं, तो बंद कमरे में, एक फ्लैट में या फिर एक शहर के अंदर सीमित होता है। हम थोड़ा उससे बाहर निकल के जंगल पहुँच के लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, वीरप्पन से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है ये फिल्म। उल्टा इस फिल्म में जंगल आपको उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिस्कवरी चैनल पे आप छोटे टेलीविज़न पे देख रहे होते हो, और यहाँ बड़े स्क्रीन पे पूरा पूरा जंगल देखोगे। 80% शूटिंग हमारी जंगल में है। नए भी चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे के साथ हम उसको तालमेल करके लेके आएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड नया लड़के को हम लेके आ रहे हैं, विनीत सिंह चंडेल नाम है उनका। बॉडी बिल्डिंग में ही मैन ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद काफ़ी नए चेहरे हैं, आर्या बब्बर हैं हमारे साथ। इनफैक्ट हमारी पूरी कास्टिंग अभी रखी हुई है, बस दिन मुकर्रर था कि आज के दिन आपके सामने आके अपनी बात रखनी है कि कैसे अपनी फिल्म की बात कह सकें। बाकी कास्टिंग इसके बाद भी चलती रहेगी। फिल्म हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं। जी वैसे तो ऑन बोर्ड वो हमारे कोरियोग्राफर हैं, मगर मेरी क्या बिसात कि मैं उनको एज अ कोरियोग्राफर लूँ। दरअसल वो इस इंडस्ट्री में मेरे गॉड फादर हैं, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ का रास्ता दिखाया है, और आज उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से मैं आप लोग के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब कुछ नाइट कोशिश करता कुछ नया लेके आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने भी कोशिश की थी तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने जैसे अपनी सोच का कोई आता है कुछ नया करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं? हाँ, एक कॉमेडी पे काम चल रहा है, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। अभी तक का बॉलीवुड को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत थ्रिलिंग था। तो आप तो अच्छे से जानते हैं, आपके साथ सबके सामने मेरा जो ओपन बुक है तो सबको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बट इट वॉज रियली गुड, बहुत अच्छा है, और बहुत नया एक एनवायरनमेंट था मेरे लिए, नया माहौल था, तो बहुत एक्साइटिंग ही रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जंगलम का पार्ट होके, और जंगलम एक जंगल की मूवी है, बहुत दिनों से जंगल पे मूवी आई नहीं है कोई, और ये मूवी आप देख के बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद एक जंगल पे मूवी आने वाली है। मेरा किरदार जो है एक डॉक्टर फैमिली से है, और डॉक्टर फैमिली से है, और मैं उस फैमिली का वो बंदा हूँ जो जिसको लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बट उसके बाद भी मेरा ध्यान सोशल कामों में है, मतलब लोगों की सेवा करने में, प्लांट्स को बचाने में, इसलिए मैं पौधों से बहुत प्यार करता हूँ, तो यही है मेरा रोल। कहानी तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, बट सिर्फ यही हिंट दे सकता हूँ आपको कि हॉरर थ्रिलर है और काफ़ी सस्पेंस है, देख के मज़ा आएगा।
बिल्कुल हॉरर फिल्म्स के फ़ैन हूँ और सस्पेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको मूवी से बांधे रखता है, सो बहुत ही सस्पेंस भरी मूवी है। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, ये मुहूर्त है, इसके बाद शूटिंग शुरू होगी। कहानी बहुत अच्छी है। सॉरी प्रणव सर तो मेरे मेंटोर हैं और मैं ह्यूमन ऑफ इंडिया रह चुका हूँ फिजिक मॉडल में, सो उन्हें पता नहीं क्या दिखा उनको मेरे अंदर, वो तो वही बता सकते हैं, बट उन्हीं ने मुझे बॉलीवुड में लाया है और वो मेरे लिए गुरु है मेरे। अच्छा सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से जंगल पे मूवी आई नहीं है और थ्रिलर या हॉरर मूवी कोई इतनी अच्छी स्टोरी नहीं होगी, ये तो आप देख के बता सकते हैं, बट इतनी अच्छी नहीं होगी ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। थैंक यू। बिल्कुल, जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबको खुशी होती है और बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको देखने के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ इंडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसके लिए लोग हॉलीवुड जाने के लिए सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है। जी मेरा किरदार है एक अमीर माँ बाप का लड़का जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मौज कर रहा है, वो चीज़ों को ज़्यादा सोचता समझता नहीं है, जो उसके दिल में आता है वो वही चीज़ करता है और इस कैरेक्टर का नाम है ईशान कपूर। स्टोरी अब कुछ चीज़ें आप जी जी जंगल पे स्टोरी है और एक नॉर्मल जंगल पे बहुत सी मूवीज़ बनी हुई है, बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब जंगल हम कभी भी जाते हैं अपने घर में कोई हमारे घर आता है कुछ भी गंदगी करता है तो हमको दिक्कत होती है, ऐसे ही हम भी जो कहीं जाते हैं किसी भी जंगल में या कहीं भी तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा लाउड नहीं हो, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उनको पेड़ों को नहीं काटें, काफ़ी चीज़ें हैं तो उससे भी रिलेटेड है ये मूवी कि मूवी के हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमको भी सीखना चाहिए नेचर से कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। ओके थैंक यू। Yeah, this is my first movie. How was the experience, Pranav? How you come out? Experience is good. Like, I know Ganesh Acharya sir very well. Yeah. And my mom is into this line from last 25 years. So, there's when, you know, everyone has that Kira inside of, like, acting. I was into modeling before. And I came across that I can do acting also. So, yes, this is my first movie. Before, I have done many TVC ads and music albums. And right now, yeah, I'm all here with Janglam movie. So how much are you excited for the show? A lot actually, because it is a paranormal thriller. And yeah, we'll be like going in a jungle and I'll be experiencing forest and all. So I'm very excited to do that. That too after monsoon. So how much you love the horror movie? I personally love a horror movie. And yes, and it's also a thriller and paranormal, India's first paranormal and thriller movie, so I'm excited about it. Who's your inspiration in Bollywood? My inspiration is Deepika Padukone and Priyanka Chopra. Which one
Ranbir Kapoor, obviously, and Ranbir Singh. Ranbir Singh and Ranbir Kapoor. Yeah. Anything you want to say about the film, or you want to say about your viewers? This film is about jungle, obviously, as you all know. Movie is named Junglam. And on one hand, you will see the beauty of the forest. It's beautifully shown. And on the other hand, you'll be seeing the twist, the other side of the jungle. And also to my audience, I would love to say, when you go to the forest, don't just plug anything and eat, okay? Just keep it clean and nice. That's it. Thank you so much. Welcome. Stand in for the visual. Partha Kirkar, and it feels. Hi guys, this is. Wait. Sorry for the delay. No, it's okay. Are you ready? Yeah. Hi guys, my name is Partha Kirkar, and I worked with Pranay on 3 projects, and feels an honor to be a part of his directorial debut. I wish all the best for Team Junglam. And I'm sure that Pranav will do a great job. He's a fantastic lyricist, and this is his first directorial venture, so I'm super excited, and I wish the team all the best. And with the blessings of Ganesh Master and Setu sir, I think it'll be rocking. So all the best, Team Junglam. So what do you feel about the story? You know, well, I haven't heard much about the story. I've heard that it's a suspense thriller, so I'm waiting for the suspense to unfold. What do you want to say about Pranav? As you know, you have also worked before also. Yes, came, yes. Yeah. What do you want to say about Pranav? Well, Pranav is a super confident individual, right from, you know, being a lyricist and a fantastic script writer. He's been an excellent mentor whenever he's worked on his projects, be it short films, be it his songs. And I feel this time, he's gonna equally surprise me, you know. I'm supercharged. Thank you so much. Thank you. Roll. Yeah, rolling. Rolling. Guys, we are here at the launch of Junglam. Excited to be a part of the. Very excited. हमारे lyricist Pranav Vats की पहली फिल्म में जो director है, तो हमसे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कोई. और हमारे जो same team है repeat हो रही है इसमें. As music director, sir, मैं प्रणव ही lyrics कर रहे हैं और choreographer गणेश मास्टर जी हैं. So another hit song after DJ, and this is also a club track. And to top it all, प्रणव direct भी कर रहे हैं film, तो it's a very good feeling क्योंकि हम लोग साथ में इतना हम लोगों ने काम किया है और आज अपने साथ की team के किसी member को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और independently film का charge लेते हुए देख रहे हैं तो उस चीज की खुशी हमें बहुत ज़्यादा है. And we wish all the best to the entire team of Junglam. It's a wonderful title, and I'm going to super hit. And another kick-ass track from us, hopefully, in this film as well. Sir, किस तरह के गाने होने वाले हैं? Well, then you'll have to wait and watch for that. But yes, of course, DJ से भी बड़ा गाना करेंगे. It will be a club track and a dance number, of course. What we specialize in. So that is going to be there. Anything you want to say? Anything you want to say? All the best wishes. Yeah, I would like to wish Pranav a very, very wonderful journey that he's taking off as a director and. Wish him all the success for his film, Junglam. Excited to be a part of it. The entire team. Thank you. Thank you. One of the lead in this movie, Junglam. And ये movie जैसा कि आप Junglam से जान ही सकते हो कि ये movie jungle पर based है. इससे पहले भी काफी movie jungle पर आ चुकी है. But this is slightly different because whenever you will watch this movie, you can feel that you are in the forest. And forest में जाने के बाद क्या-क्या adventure होते हैं? Especially जब आप group में जाते हो तो you will enjoy it more. And क्या-क्या adventure होते हैं वहाँ पर क्या घटनाएँ होती हैं
उन सबको आप देख सकते हैं। और हम इस मूवी के थ्रू हमारा एक मोटिव है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाएं, जिसकी टैगलाइन है ग्रीन जंगल क्लीन जंगल, कि पेड़ को मत काटो बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग ऑन द अर्थ। जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल ही इको बैलेंस करता है। और जब भी हम जंगल में जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जैसे किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट मे बी पॉइजनस। एंड हाँ, इट्स अ हॉरर थ्रिलर मूवी, बट इस मूवी में और मूवी की तरह भूत उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम लोग इस मूवी को शूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग जुड़े हैं, सेतु श्री राम जी डीओपी है, तो इस मूवी का मज़ा और भी डबल हो जाएगा। गणेश दा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, संतोष जी मेकअप दे रहे हैं, और म्यूज़िक सब विशाल मिश्रा जी दे रहे हैं, अरिजीत सिंह जी एक सॉन्ग कर रहे हैं, नेहा कक्कड़। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मूवी के थ्रू मेरा अच्छा डेब्यू होगा। सोशल अवेयरनेस एंड ओके सोशल अवेयरनेस के साथ साथ, जैसा कि मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग्स होते हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है। मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग किया, हु इज़ वेरी सेंसिबल। वेन एवर शी टॉक सेंस, शी I can't reveal the story as of now. You have to wait till the movie release. I just can't share this much only. Any question? Any other part? You are a part of any movie? Yes. Right now I'm doing theater. Last 2 years से मैं theater कर रही हूँ। अभी भी मेरा ninth May को पृथ्वी में एक play है, मोयरांग थोएबी। तो मैं basically theater से जुड़ी हूँ 2 years से। और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, टेरेंस लुइस से मैंने डिप्लोमा किया है डांस में, मार्शल आर्ट की है, एरियल सिल्क पोल डांस। 3-4 ईयर्स से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि ताकि मैं एक अच्छा डेब्यू कर पाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म विद अ ग्रेट टीम एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम है अयान अली अब्बास, मैं कंपोज़र हूँ और आज के इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इसका एक गाना मैं कर रहा हूँ, टाइटल ट्रैक। अब होपिंग ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो और इसका गाना भी बहुत अच्छा हो। डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें अपना बेस्ट दे सकें। Very much excited because this is my first Bollywood project. So pretty much excited. Strong-headed girl, and she has a responsibility on her. Generally, ऐसा होता है कि एक
बचपन में उनकी मम्मी चली जाती हैं उनसे दूर, शी इज़ नो मोर नाइट राइट नाउ इन अवर लाइफ, एंड जनरली ऐसा होता है कि माँ बोलती है अपने हस्बैंड को कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बट देन दिस टाइम इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज इस टाइम जो बच्चे हैं वो पापा का ख्याल रखेंगे. सो आई एम ऑलरेडी हेड स्ट्रॉन्ग एंड हेड स्ट्रेट, वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पोजेसिव अबाउट माई डैड, सो दैट आई एम इन माई रियल लाइफ. एंड इट्स अ गुड डे फॉर मी बिकॉज इट्स माई डैड्स बर्थडे टुडे एंड समवॉट इज सूटिंग माई कैरेक्टर, सो आई एम हैप्पी. या Association with Pranav sir was very exciting because when you meet the director you come to know where is the mileage going. So jab main director sir se mili and then unka vision maine samjha, so unke vision ko dekh ke lagta hai ki you know he is quite focused and quite dedicated towards the project and he is very much into it. So I'll have to be really disciplined and I have to be really you know, gathered with myself ki nahi baba, director is very strict and I have to work very nicely. Yeah, so that's the whole thing. The concept of the film is pretty interesting because I don't think there is such kind of a concept right now in Bollywood industry. So I'm looking forward for this project more, and about the concept and about the story and about everything, I think the directors and the creators and the producers might have already spoken about it. So yeah. Thank you so much guys, thank you so much. I'll come to this one. Roll. Kaise hain bhai, center mein hi dekho na. देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट है एंड प्रणव जी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है. द टीम इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड हियरिंग दैट सेतु साहब इज़ द कैमरामैन ऑफ दिस फिल्म एंड द वे द होल स्क्रिप्ट इज़ द वे माय कैरेक्टर इज़, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप इट बिकम्स व्हाट द स्क्रिप्ट इज. देखिए मुझे लगता है वैसे भी द होल स्टाइल ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिक. जिस तरीके से इन लोगों ने जंगल को यूज़ किया एज अ कैरेक्टर, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड आई होप वो थ्रिल जो है दैट कम्स अक्रॉस ऑन द स्क्रीन. मुझे अक्सर डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, ये आप सच मानिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही दिए जाते हैं. बट आई एम वेरी ग्लैड, कैसे हैं भाई, आई एम वेरी ग्लैड कि आई गेट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स, आई गेट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. मेरे डायरेक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूँ एंड यस, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर है. कैरेक्टर का नाम है रणवीर राणा एंड वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है एंड ही इज़ दी ओनली वन जिसको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितनी भूल भुलैयाँ हैं, इस फॉरेस्ट के सारे डार्क सीक्रेट्स वो जानता है एंड किस तरीके से वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है. संजय दत्त बिग टाइम मैन, व्हाट आर यू सेइंग, डोंट यू सी इट, एवरीवन, ऑल ऑफ अस आर अ फैन, एनीवन हु इज़ ग्रोन अप इन 80s और 90s इज़ अ बिग फैन ऑफ संजय दत्त, हैज़ टू बी, ही इज़ अ पॉप आइकॉन, इट गोज़ विदाउट सेइंग. Yeah. Oh, I am so looking forward to it. I think Ranveer has nailed it to the T. It's so good. And we couldn't have had a better director than Mr. Hirani to direct it and with Vinod Chopra and the whole team presenting it. I'm really looking forward because hum log bade hue hain, you know, idolizing Sanju Baba, you know, his gym. He's the one who bought it all. So, just looking forward to that film. I hope it's as good as we're expecting it to be. After this, there is another film that's coming up, that's Zehen. Then there is a Punjabi film that's going to be a home production with Dad and me for the first time. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Pleasure. Kahan chahte hain?
हेलो सर, राम भाई सर यहाँ पे, हाँ हो गया गणेश जी सर, ये लास्ट कैमरा सर राइट में सर, यहाँ पे राइट में सर, राइट सर लुक गया सर जी, यहाँ पे सामने सर, वन मोर राइट मास्टर जी, यहाँ पे मास्टर जी ये प्रणव की फिल्म है, प्रणव वत्स इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रणव को मैं कम से कम 8-10 साल से जान रहा हूँ। बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। उसकी वाइफ से मैं ज़्यादा अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है श्रुति, उससे मैं प्रणव को मिला, प्रणव के साथ बाद में बहुत सारी बातचीत हुई, फिर पता चला कि ये लिरिक्स राइटर है, ये गाने बहुत अच्छे लिखता है। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया मेरी फिल्म में हे ब्रो में, और बहुत ही अच्छे गाने लिखे उसने। अभी मेरी और एक फिल्म है उसमें भी ये गाने लिख रहा है और बहुत ही मेहनती है। मैं बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट फॉर जंगलम। मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है और ये डेफिनेटली अच्छा फिल्म बनाएगा। मैंने सुनी है जंगलम की कहानी, सुनी हुई जंगलम के मैंने पूरे एक एक सीन सुने हुए, बहुत ही कई महीनों से लिख रहा था ये फिल्म या कई सालों से, और मुझे कहा था कि मास्टर जी मुझे ये फिल्म करनी है, तो मेरा प्रणव करो बिंदास मैं साथ में, जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। इस फिल्म के गाने कर रहा हूँ मैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लिरिक्स राइटर था आज डायरेक्टर बन रहा है, उसकी फिल्म में मैं गाने कर रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है जब अपना बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट। और कुछ या ऑफकोर्स संजू, ये मैंने ही की पूरी फिल्म राजू की, ऑल सॉन्ग्स आई कोरियोग्राफ फॉर रणबीर एंड राजू ईरानी। जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मैं अभी रशिया से आया हूँ, मैं यूक्रेन में था, मैंने वहीं से ट्रेलर से राजू को फ़ोन लगाया, बोला राजू बहुत ही ज़बरदस्त है और जब इसके गाने आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है क्योंकि मैं संजू बाबा को आज से नहीं, मेरे ख्याल से 30 साल से जानता हूँ, जब उन्होंने वो स्टार्ट किए थे तभी मैंने भी स्टार्ट किया था ग्रुप डांसर, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो संजू बाबा की फ़िल्म करना मतलब मेरे लिए दिल की फिल्म करना है, और राजू ईरानी के साथ तो मैंने मुन्ना एमबीबीएस की, लगे रहो मुन्ना भाई की, पीके की है और अभी संजू कंप्लीट की, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहना क्या है, ट्रेलर ने बहुत कुछ कर दिया। ऑफकोर्स जब मैंने पहला गाना किया था और मैंने क्लोजअप लगाया था तो उसने यूँ किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि संजू बाबा ही शॉट दे रहा है। तो इतनी मेहनत की थी और हम लोगों ने बेसिकली गानों पर भी बहुत मेहनत की है, डिफरेंट डिफरेंट गाने हैं आपको देखने मिलेंगे। नो रोमांटिक सॉन्ग इन फिल्म। हाँ नहीं, मेरे बहुत सारे शागिर्द बेसिकली इंडस्ट्री में हैं, मैं लेकिन खुद एक शागिर्द हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनसे ही बहुत सीखा हूँ, आगे ही बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जब नीचे से ऊपर आता है और कुछ बन जाता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं फिर एक बार कुछ बन चुका हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं आपके लिए कि आपका कोई एक बंदा है या कोई कोरियोग्राफर हो या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो या कोई राइटर हो या कोई आर्टिस्ट हो, बहुत खुशी होती है इस बात की। अभी संजू देखेंगे आप, अभी बागी का गाना देखा आपने, 1-2-3 बहुत सारे गाने, खलबली गई, बहुत सारी फिल्में, कंटिन्यू लाइन से फिल्में, नमस्ते इंग्लैंड कर रहा हूँ मैं, फिर सुपर 30 कर रहा हूँ मैं, और कोरियोग्राफी में बहुत सारी फिल्में लाइनअप है। कहानी पुरानी होगी वजन की, हाँ लग रहा हूँ पहले से पहला थोड़ा डेफिनेटली बहुत ही, अभी भी मैं 50% पहुँचा हूँ, नेक्स्ट ये 2018 ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं मेरे गोल पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या फिगर पर रुकना है। ओके थैंक यू। So can we all make some noise? Come on, the entire casting crew is here. Can we all make some noise? Come on. All right, so much awaited Mohrat, much awaited
poster unveiling is now going to happen. So ladies and gentlemen, again, let me invite our very own, the one and only Ganesh Acharya sir. Can we all welcome him with a huge applause? Light, light. आप किस तरह जनाब किशन किशन मेरे पास लाइट आ रहा है तुम्हारा है किशन बढ़िया बढ़िया देख रहा हूँ किशन बढ़िया बढ़िया आज इच्छा करा रही बात तुम धड़क दे रहा हूँ वो कब्जे फोटोग्राफर किसका क्या कर रहा है तू रोशन Ganesh Acharya sir, very warm welcome to you. Aise hum, we always start any special occasion by lighting the lamp, so that's exactly what we're going to do right now. Itna camera aa raha hai bhai. Congratulations, and finally the time has come when I would now request Ganesh Acharya sir to kindly cut the ribbon and unveil the poster. The much round of applause. This is something we all have been waiting for. A very very special moment for all of us. अंदर लाइट आ रही है मेरी क्या रोल चल रहा है लाइट की जरूरत ही नहीं है टेस्ट करने के लिए फुल का बिचारा आने जाओ मेरे को देखना मैं ऊपर लगा रहा हूं इसके लिए आगे लेके ऊपर लगा दिया है मिल रहा है तो मैं डाला 18 बजे गाय के लिए लेके आता है 125 लेके आता है एक और सर्वसन एक और तू मेरा लूट रवि भाई को ना लेकिन है ना रवि भाई अरे भाई कर अरे अरे मिले हाथ चाकू को चाकू अरे बस करना रो लगना नहीं किया And with that, it's time for me to invite us. Let us invite Vineet Singh Chandel, Vipya Agarwal, Anupama Agnihotri, India Khan, and the handsome hunk, Arya Babbar. बीच में आइए सर बीच में मत बोलना बोल रहा ना उसको कैमरा भी नहीं बोल रहा दूसरा पता बोल सर बोलने के लिए आ रहे हैं विनय रवि विनय पांडे ऑलराइट सो बोलते हो तुम लोग यार दैट्स द लवली स्टार कास्ट होल्ड यू होल्ड ऑन ऑल द गॉर्जियस लुकिंग मेन एंड ऑल द लवली गॉर्जियस फीमेल्स ऑल द लवली एक्ट्रेसेस आर हियर And with that, thank you so much guys, I request you all to come out. Music director Vishal Mishra, Linsen Soni and Ayan Ali Abbas. Linsen Soni sir. And of course we have our wonderful choreographer Ganesh Acharya sir with us. One more time, Linsen Soni sir. Linsen Soni. Linsen Soni, can we have you?
Nitin and Soni, director Kenny Chabra and Amit Thakur, first assistant director Prashant Jha, second assistant director Chandan Kashyap, assistant director Jyoti and Nikita, account head Koshali Raj, publicity designer Thirsty Fish, Ajit Ji, supervising producer Chinmay Dhara, pro Uday Bhagat, media and public. Have the entire cast and crew together for a group photograph. Can we have everyone, all the actors? विनय भाई को तो पहले अपने चाहिए. So all the best to the entire cast and crew for this lovely project and three cheers for Jangalam. Hip hip! Hip hip! Project soon coming up. Our next movie as in director again with Pranav Vats, Jalebi Wali Gali. Right. So I think Pranav Bhai would be like a better option to explain further. मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता. अगर कोई producer कहे कि ठीक है यार अगली film चलो हम लोग साथ में कर रहे हैं बताओ कब करना है तो शायद आपसे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता कंफर्म कराने का. तो नीड योर हेल्प बड़ी. मनोज भैया जलेबी वाली गली कर रहे हैं हम लोग जस्ट इसके बाद और ऑफिशियली मनोज चौधरी जी अनाउंस कर रहे हैं. एग्री भैया. वी आर विद यू. वी आर गोइंग टू अनाउंस दिस प्रोजेक्ट वंस अगेन आफ्टर दिस ऑल्सो. और ये वाला जलेबी वाली गली वाला जो प्रोजेक्ट है प्रणव भाई संतोष भाई और आशीर्वाद गणेश आचार्य. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नॉट येट बट वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है किसी बहुत बड़े चेहरे के साथ और आपके किसी पसंदीदा चेहरे के साथ करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाय मैं हूं विशाल मिश्रा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द मुहूर्त ऑफ जंगलम एंड इस फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ मैं. एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि प्रणव इज डूइंग डायरेक्शन फाइनली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी. बहुत फैसिनेटिंग सी स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छा म्यूजिक होगा शायद एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है. अभी हमने गाने बनाने शुरू किए हैं गाने लिख दिए हैं प्रणव ही गाने लिख रहे हैं जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा जी. ये स्क्रिप्ट सुनी एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत पेचीदगी से हुई क्योंकि मैं इससे मेरा भी एक फिल्म का ट्रेलर आया वीरेटी वेडिंग वो मेरी म्यूज़िक है. रेस 3 आ रही है वो मेरी म्यूज़िक है. तो उसके बीच में कहीं ये स्क्रिप्ट सुनी मैंने एंड आई लव्ड इट एंड आई सेड चाहे जो भी हो रहा हो ये फिल्म होनी चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड आई होप कि म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पिता तुल्य है मेरे गणेश आचार्य जी. एक पिता के हाथों एक पुत्र का एक अच्छी शुरुआत हो उससे बड़ा और क्या होगा. जंगलम का मुहूर्त गणेश आचार्य के हाथों से हुआ इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है. और आप लोग सब साथ दे रहे हैं इतना अच्छा इवेंट हो पा रहा है आप लोगों के कारण. तो आई एम सो हैप्पी. एक अच्छी शुरुआत है और यकीन मानिए इतनी अच्छी फिल्म बनाऊंगा. जी शायद मैं थोड़ा बहुत तारीफ के काबिल होऊंगा. कलाकारों की बात करें तो कौन से कौन से कलाकार हैं. सारे लगभग नए लोग हैं लेकिन हैं मार्केट के भी काफ़ी लोग हैं. चूंकि पूरी तरह से अभी हमारी कास्टिंग नहीं हुई है ये एक दिन मुकर्रर था एक शुभ दिन चुना गया था मुहूर्त करने के लिए तो हमने इस दिन पे फिल्म का मुहूर्त तो कर लिया है लेकिन स्टिल हमारी कास्टिंग ऑन है. बहुत जल्द मीडिया आप लोग के ही माध्यम से उसकी भी जानकारी हम लोग दे देंगे. थ्रिलर मूवी है हॉरर है. जनरली जो हॉरर मूवी हम देखते हैं जो आजकल हमारे बीच में आती है जो हॉरर फिल्म है उससे हटकर है ये.
फुल ऑन जंगल वाली मूवी है। आप ऐसा समझ लो कि डिस्कवरी चैनल आप अपने टीवी पे देख रहे होते हो। मैंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि 2 घंटे की डिस्कवरी चैनल आप मस्त बड़े बड़े स्क्रीन पर देखो। जी बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी पहन लो और अच्छा प्रमोट हो जाएगा। जून एंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर। फर्स्ट शेड्यूल मुंबई है, सेकंड शेड्यूल केरला है। जंगलम का नाम अगर टाइटल की बात करें तो क्या जी? जंगलम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हे जंगल, आह्वान है जंगल को। तो जंगल पे तो पहले भी फिल्में आई हैं और आती रहेगी, हम आह्वान कर रहे हैं जंगल का। मैसेज देना चाहेंगे हम, ग्रीन जंगल क्लीन जंगल विद दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रीति जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मुहूर्त हुआ जंगलम का, खुशी कितना हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भव्य मुहूर्त को लेकर? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, स्मृति सिन्हा का। और जंगलम का मुहूर्त हुआ है, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीम और सबको मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। और ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। बिकॉज मंगलम के टाइटल की बात करें तो प्रणव जी ने कुछ आपको बताया था, क्या कुछ मंगलम किस टाइप की फिल्म है और क्या कुछ? जंगलम है एक थ्रिलर मूवी है और चूँकि ये नाम ही सब कुछ बता रहा है कि ये जंगल की मूवी है, तो जंगल के अंदर क्या कुछ होता है, जो भी लोग वहाँ जाते हैं उसकी क्या खासियत है जंगल की, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। और जो थ्रिल है वो बहुत ही अपने आप में नया है और बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, तो देखने वाले को बहुत मज़ा आने वाला है। जी भी नज़र आएंगे इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहेंगे नज़र आने वाले? नहीं, मैं इन वीवो सपोर्टिव हूँ। तो मैं चूँकि ये प्रणव की फिल्म है और मैं जितना हो सकता है सपोर्ट करूँगी इस मूवी में। और कुछ प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी धीरे धीरे आएंगे, इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। गणेश जी आज इसका गणेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमें एक तरह से अपना एक आशीर्वाद दिया है यहाँ के पोस्टर अनवेल करके, तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रणव। वो मेरे जीजू हैं, मेरे जीजा जी हैं, तो उनको मैं बहुत सारी विशेज़ देना चाहती हूँ, प्रणव जीजू को और स्मृति को। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छी फिल्म बने, आई होप और ये फिल्म सुपर हिट भी हो। थैंक यू। चालू किया सोलो 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 सर सोलो जंगलम में बहुत मंगलम होगा, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म होगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ जंगलम दैट द फिल्म बहुत अच्छी तरीके से मुहूर्त हो रहा, बहुत अच्छा स्टार्ट हो, बहुत पीसफुल एडवेंचरस और एक्साइटिंग उनका पूरा शूट स्केड्यूल जाए। I've just come over here to congratulate all of the entire team because हमें पता है कितना मुश्किल होता है कभी कोई एक प्रोजेक्ट जाने वाला होता है, सो इट्स एक्चुअली एंड इट्स ऑलवेज great to support people
and that support is always very important. So hum chota sa hi support dene aaye hain. So yeah, no. Abhi actually it's not completed yet, but yeah, it's still in the process. But yeah, just bana rahe. Mujhe shuru se shauk hai yaar fitness ka, just a little bit. जल्दी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो पता चल जाएगा। मैं फिल्म के लिए नहीं, मैं अपने लिए बॉडी बनाता हूं एक्चुअली, मैं सच बता। अरे झूठा एक नंबर का। इट्स वेरी 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 वर्क ड्रिवन, वेरी प्रोजेक्ट ड्रिवन, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि कोई हार्ड वर्क करके बहुत ही फोकस्ड तरीके से अपने काम के लिए कर रहा है। तो वी गोना बी वेरी एक्साइटेड जब भी कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट होती है अबाउट प्रोजेक्ट्स, सो विल सी। मैम आप कुछ कहना चाहिए? इज एक्चुअली अ फर्स्ट टाइम आई गोना गुड गिव देम अ गुड विशेस कि उनकी मूवी सक्सेस हो, सक्सेस होए। मैं कहना चाहूँगा हर तरीके से दिखाना, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी का अपना ट्विटर है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई ओपिनियन से हर कोई सहमत नहीं होगा। किसको क्या लिखना चाहिए, क्या किसको नहीं टैग करना चाहिए, ये खुद एक इंसान मैच्योर है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ सकते, वी कान अंडरस्टैंड वाई दे हैव डन नॉट डन बिकॉज वी आर नॉट इन देयर शूज। सो आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दिस, आई वुड रादर से दैट टू ईच टू इट्स ओन। इफ शी हैज़ डन दिस देर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिकॉज शी इज़ अ वेरी मैच्योर इंडिविजुअल एंड वॉट एवर डिसीजन शी इज़ टेकिंग इज हर ओन। एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू से द सेम के यू नो दैट्स व्हाट ही सेड ऑलमोस्ट द थिंग्स दैट सबका अपना अपना ट्वीट होता है ना, ओपिनियन होता है। आई रियली रिस्पेक्ट एवरी वन वेन इट कम्स टू देयर ओपिनियन। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग सो बैड ऑल्सो, यू नो इट्स देयर ओपिनियन आर जस्ट क्लैशिंग, दैट्स आई थिंक दैट्स हेल्दी, दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड दैट्स सपोज टू हैपन। यू नो वेरी वेन स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल दे कम टुगेदर क्लैश इज गोना हैपन, सो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन्स ओपिनियन। सो दैट्स इट। मिल गया तुम्हें हिट्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।